सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो एक चिंतन, मनन और वर्तमान में सगा समाज की स्थिति को देखने के बाद बना रहा हूँ। आज हमारे सगा समाज की जो हालत है, समाज में जो एक अलगाव देखने को मिल रहा है, उसका वृतांत एक छोटी सी कहानी के जरिए कहना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हमारा लड़ाकू सगा समाज क्या इस कहानी की तरह होता जा रहा है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस शिक्षा प्रद कहानी को शुरू करते हैं। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि उस थैली में कई प्रकार के जाल थे। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर कबूतर को यह बात बताई कि घर में जाले आ चुके हैं। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है भाई। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने चला गया। मुर्गे ने भी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई जा, ये मेरी समस्या नहीं है, मेरा इन सब से क्या लेना देना। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और चूहे का जमकर मजाक उड़ाने लगा। यह सब देख चूहा उदास होकर अपने बिल में वापस चला गया। कसाई ने चूहे को फंसाने के लिए रात में चूहा दानी लगाई थी। उसी रात चूहे दानी में खटाक इस तरह की आवाज आई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकालना चाहा, जिससे सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने पंडा को बुलवाया। पंडा ने कसाई को कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। अब क्या था, वही कबूतर पतीले में उबल रहा था। यह खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई। तो इस खुशी में उस व्यक्ति ने अपने कुछ शुभचिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को भी काटा गया। इस तरह सभी के सभी पात्र एक के बाद एक काटे गए, पकाए गए और भोजन स्वरूप खाए गए। और सबको सचेत करने वाला चूहा अब बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर। साथियों, इस कहानी का आशय यही है कि अगर कोई चूहा रूपी समाज से भी आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए, क्योंकि समाज का एक अंग एक तबका है और उसका एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज व पूरा देश खतरे में है। इसे दूसरे की समस्या समझकर कतई दूर नहीं हटिए। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वह आपका सगा साथी, सगा संबंधी या सगा समाज का हिस्सा है, तो अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, उसका साथ दीजिए। स्वयं तक कभी भी सीमित मत रहिए, सामाजिक बनिए, क्योंकि यह समय एक ऐसा समय है कि आपको अपनी एकता दिखानी ही होगी। अपने पुरखों की तरह आपको जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखना ही होगा, अन्यथा आपका भी हाल कबूतर मुर्गे बकरे की तरह ही होगा और आप सोचेंगे कि आपकी तो बढ़िया खातिरदारी हो रही है। इस भ्रम से कि आप सुरक्षित हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बाहर आइए, जितना हो सके शिक्षित बने, संगठित रहें और मिलकर संघर्ष करें। यही आपको बचाएगा, आपके अस्तित्व को जिंदा रखेगा। आशा करता हूं कि यह छोटी सी कहानी से आप प्रेरणा लेंगे और समाज में बदलाव भी लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार।